मेरे प्यारे बच्चों, आप सब अच्छे होंगे। आज मैं अपना चैनल YouTube चैनल लर्न विद हरप्रीत में अपनी कक्षा 2 और 3 के बच्चों के लिए एक कहानी लेकर आई हैं, जिससे कि आपको बहुत अच्छा मॉरल मिलेगा, बहुत अच्छी शिक्षा मिलेगी और जो आपको सुनने में भी बहुत अच्छी लगेगी। चलिए ध्यान से सुनिए, कहानी का शीर्षक है परिश्रमी चींटी। परिश्रमी मींस जानते हैं, परिश्रमी मींस मेहनत करने वाली, चींटी मींस लिटिल एंट, छोटी सी जो एंट होती है उसको हम चींटी हिंदी में कहते हैं। ओके, अब क्या हुआ, गर्मी का मौसम था, ठीक है, एक बार गर्मी का मौसम था, तेज धूप के कारण भयंकर गर्मी पड़ रही थी, बहुत गर्मी पड़ रही थी क्योंकि सन सूरज बहुत तेज गर्मी दे रहा था, धूप थी। दोपहर के समय सभी अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे। दोपहर के समय जब इतनी धूप होती है तो सब लोग घर पे अपने आराम करते हैं, वैसे ही उस दिन भी सब लोग घर पे आराम कर रहे थे। ऐसे समय में भी चींटियां आराम नहीं करती हैं। आपको पता है चींटियां कभी आराम नहीं करती हैं, ऐसे समय में भी वे खाने की सामग्री अपने घर में इकट्ठा करने में व्यस्त रहती हैं। वे क्या करती हैं, छोटे छोटे खाने की सामग्री लाके इकट्ठा करने में व्यस्त रहती हैं, बिजी रहती हैं। शायद वे भविष्य के लिए संग्रह कर रही थीं। छोटी छोटी चींटियां उस समय क्या कर रही थीं, उस भरी धूप में जब सब सो रहे थे तो वे अपने खाने की सामग्री को इकट्ठा कर रही थीं। वहीं पर एक टिड्डा भी आराम से लेटा हुआ था। डू यू नो व्हाट इज टिड्डा, टिड्डा इज ग्रास हॉपर। उन्होंने देखा, एंट्स ने देखा कि वो ग्रास हॉपर टिड्डा जो है आराम कर रहा था, ठीक है, और लेटा हुआ था आराम से और गाना गा रहा था। क्या कर रहा था, ही वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, गाना गा रहा था। उसने चींटियों को देखा तो हंसने लगा, स्टार्टेड लाफिंग, हंसने लगा और बोला, अरे लालची चींटियों, क्यों इस गर्मी में जान दे रही हो, थोड़ा आराम कर लो। टिड्डे ने ग्रास हॉपर ने कहा, अरे लालची चींटियों, थोड़ा आराम कर लो, क्यों इस धूप गर्मी में अपना जान दे रही हो, तुम मुझे देखो, तुम कितनी लालची हो, मुझे देखो, मैं तो खा पी कर मस्त हूँ और अपनी जिंदगी के मजे ले रहा हूँ। उनमें से एक चींटी बोली, टिड्डे भाई, क्या बोली, टिड्डे भाई, हम लोग बरसात के दिनों के लिए खाने का सामान इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि जब बारिश होगी तो वो भीगती भीगती कहाँ जाएंगी सामान लेने। तो उसने एक चींटी ने जवाब दिया, हम लोग बारिश के मौसम के लिए खाने का सामान इकट्ठा कर रहे हैं, तुम्हें भी भविष्य के लिए इकट्ठा कर लेना चाहिए। टिड्डा जोर से हंसा और बोला, कल की कल देखी जाएगी, क्या बोला, कल की कल देखी जाएगी, अभी से क्यों मरूं मैं। उसे चींटियों की बात समझ में नहीं आई, उसने उस बात को गंभीरता से नहीं लिया। गर्मी के बाद अब लो बरसात का मौसम आ गया, आकाश में बादल आ गए तो देखते ही देखते पानी बरसने लगा, धरती पर पानी ही पानी दिखाई पड़ने लगा, सब जगह पानी पानी हो गया। ऐसे समय में चींटियां जमीन के अंदर चली गई, क्योंकि चींटियों ने तो अपना जमीन के अंदर खाना स्टोर करके रखा हुआ था, तो वे जमीन के अंदर चली गई। उनके पास तो खाने का काफी सामान था, वे आराम से अब समय बिताने लगी, अपना खाती पीती रही, अपना जमीन के अंदर चली गई और उनके पास इतना सामान था, अपना आराम से खाती पीती रही। उनके पास खाने का इतना सामान था और इधर टिड्डे के लिए भोजन जुटाना मुश्किल हो गया। अब वही टिड्डा, वही ग्रास हॉपर, उसके पास खाने के लिए अब उसको कहाँ से वो खाना लाए, इतना पानी पानी चारों तरफ, तो उसके लिए खाना जुटाना मुश्किल हो गया, कहाँ से लाता अब वो। अब वह भूख से मरने लगा, उसे बहुत भूख लगी। उसे चींटियों की याद आई, अब उसको उन चींटियों की याद आई, ठीक है, उसने उनका दरवाजा खटखटाया। उसने क्या किया, चींटियों के पास गया और दरवाजा खटखटाया। उसने कहा, चींटी बहन, कृपा करके मुझे भी खाने के लिए कुछ दे दो। अब देखो वो रिक्वेस्ट कर रहा है उन्हीं चींटियों से, कृपा करके थोड़ा खाने के लिए कुछ दे दो, मैं बहुत भूखा हूँ। उसे बहुत भूख लग रही थी। तब चींटी ने जवाब दिया, अब चींटी ने क्या जवाब दिया, चींटी ने कहा, गर्मी के दिनों में तो
तुम आराम कर रहे थे, गाना गाकर जिंदगी के मजे ले रहे थे। तुम जैसे आलसी को तो मैं एक दाना भी नहीं दे सकती। उसने झट से दरवाजा बंद कर लिया। उसने ऐसे कहा और झट से दरवाजा बंद कर लिया। अब टिड्डे को समझ आ गया कि आज की बचत ही कल काम आती है। सो दिस इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी। हमें ये शिक्षा मिली कि आज की बचत ही कल काम आती है, यानी कि अगर हम आज अपने लिए कुछ बचा लेंगे तो यही हमारे फ्यूचर में काम आएगा। उदाहरण के लिए, छोटे बच्चों के पास बचाने के लिए क्या है? जैसे मम्मी पापा के पास तो बचाने के लिए पैसे हैं, आज बचाएंगे तो कल पैसे वो काम आएंगे। ऐसे हम लोग के पास क्या है? हम लोग अपनी चीजें जो हमारे पास हैं उनका बेस्ट यूज करें, कम से कम हो सके जितना उतना यूज करें, क्योंकि आज अगर हमने सेव कर लिया जो चीज, वो कल हमारे अवश्य काम आएगी। ठीक है, थैंक यू।